नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ग्रहण की। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस हिरासत में आज भेज दिया। भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए एक महीने बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मियूज की सरकार ने एक और समझौता तोड़ने का फैसला किया है। मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का समझौता रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। राजधानी पटना में दिन दिहाड़े अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार नाम के एक अपराधी की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद कई लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिए गए थे। आज ऐसे लोगों की मौलाना हर्षरत मदनी ने चेक और जमीनें दी। कोयला व्यापारी के भाई को धमकी देने वाले मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने 5 साल 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नवादा नगर के 17 वाडोर के 13,965 घरों में प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल की आपूर्ति घरेलू कार्यों में कर दी गई है। इस दौरान नीतीश कुमार ने गंगा पेय जल का इस्तेमाल करके भी देखा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक ट्वीट पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट को इंदौर आने का न्योता दिया है। उनके इस निमंत्रण को आगे बढ़ते हुए आईआईएम के डायरेक्टर हिमांशु राय ने इंदौर में उनके स्वागत पर सहमति जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम वाराणसी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जितेंद्र आवर ने फंड बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। आवर ने बताया कि विपक्षी पार्टी के कुछ ही वरिष्ठ नेताओं को फंड मिला है। SBI ने चुनिंदा अवधियों के लिए MCLR की सीमांत लागत में 5 से 10 आधार अंकों की वृद्धि की घोषणा की। आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल की EMI बढ़ा दी जाएगी। टीवी के ऐतिहासिक शो रामायण में श्री राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल और माँ सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने दक्षिण मुंबई के मनीष मार्केट में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं। राजस्थान में IAS की रविकांत को राज्य के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख सचिव बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव के शतक और कुलदीप यादव के 5 विकेट ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में ध्वस्त कर रख दिया है। इस तरह 3 मैचों में T20 सीरीज 1-1 बराबर की रही। तो ये थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ जुड़े रहे द न्यूज 15 के साथ।